हाय गाइस, जय हनुमान। आज हम बात करने वाले हैं 97 परसेंटाइल से अगर आप 95 परसेंटाइल की प्लानिंग भी करते हैं तो अप्रैल टेट में आखिर आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए। 97 परसेंटाइल पे हम इसमें सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देते हैं कि 27 के S1 और 31 के S2 और फर्स्ट के S1, 27 के S1 जो कि काफ़ी मार्क्स के हिसाब से ईजियर साइड थी और कुछ सर्टेन टफ शिफ्टें या टफेस्ट शिफ्टें जो कि 31 के S1 और फर्स्ट के S1 में थी, इन तीनों शिफ्टों को थोड़ा सा साइड में रख के 7 शिफ्टों के एग्रीगेट मार्क्स पे लास्ट जनवरी के हिसाब से समझाते हैं। 97 परसेंटाइल 175 से 133 मार्क्स, 96.5 168 से 130, 96 परसेंटाइल 160 से 123 मार्क्स और 95 परसेंटाइल 153 से 114 मार्क्स। लेकिन अगर हम जो मार्क्स की रेंज आपको लगभग 97 परसेंटाइल पर समझा रहे हैं 175 से 133, अगर पेपर जनवरी की तरह 27 खासकर अगर ईजियर सेट चला गया तो 97 परसेंटाइल पे 175 से 133 मार्क्स पे आप हायर साइड यानी 175 मार्क्स पे करीबन 20 से 25 मार्क्स जोड़िए और लोअर साइड अगर पेपर टफेस्ट चला गया तो 113 मार्क्स पे करीबन 10-15 नंबर के डिफरेंस पे आप इसको 120 मार्क्स पे भी लेकर चल सकते हैं। ऐसे ही हर जो परसेंटाइल की रेंज है जो कि 96.5 पे 160 से 130, 96 परसेंटाइल पे 160 से 123, 95 परसेंटाइल पे 153 से 144 अगर ईजियर सेट चला गया तो इस रेंज में भी अपर कैप में आप 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस लेके चलिए और अगर बहुत टफेस्ट चला गया तो लोअर रेंज में भी आप 10 से 15 नंबर का डिफरेंस जरूर लोअर साइड लेके चलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर देखते हैं आखिर किस नेचर का अप्रैल में भी आता है। जय हनुमान, बाय बाय।